गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास एट्थ चैप्टर स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स और उसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ भी लिया था कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं किस टाइप के होते हैं पॉलीमर्स क्या है सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज पेज नंबर थर्टी पॉलीमर्स अकर्स इन नेचुरल ऑल्सो जो पॉलीमर्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं प्राकृतिक भी होते हैं कॉटन फॉर एग्जाम्पल कॉटन स्टूडेंट्स आपको मालूम है कॉटन प्लांट से मिलते हैं हमें इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज और एक कॉटन भी क्या है एक पॉलीमर है जिसको हम क्या कहते हैं सेलुलोज सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट और ये सेलुलोज किसका बना होता है लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट ओके ये फैक्ट्स है स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फ़ाइबर्स आर मैन मेड जो मैन मेड होते हैं इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट है रेन रेन का कपड़ा आपने देखा होगा स्टूडेंट रेन होता क्या है तो यू हैव रीड इन क्लास सेवन्थ दैट सिल्क फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉम वाज डिस्कवर्ड इन चाइना क्लास सेवेंथ में आपने पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर है वो हमें किससे मिलता है सिल्क वॉम से मिलता है और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था चाइना ने एंड वाज कैप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम और उन्होंने इस बात को बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा था किसी को बताया नहीं था कि वो जो है सिल्क वाम से सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली ये जो फैब्रिक होता है सिल्क फाइबर ये बहुत ही कॉस्टली होता है बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्स्चर फैसिनेटेड एवरीबडी लेकिन इसका जो टेक्स्चर होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है इसीलिए सब लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं अटेम्प्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली तो इसी वजह से सिल्क को आर्टिफिशियल बनाया गया है यानी कि जो नेचुरल सिल्क है बेटा वो बहुत कॉस्टली होती है महंगी बहुत आती है और जो आर्टिफिशियल है वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सस्ती होगी और उसका टेक्सचर है उसको जो देखने में जो लगता है वो बिल्कुल सेम नेचुरल सिल्क की तरह दिखता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी नाइन्टीन सेंचुरी के लास्ट में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑप्टेनिंग अ फाइबर हैविंग अ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क जो वैज्ञानिक थे वो सक्सेस हो गए उन्होंने एक ऐसा फाइबर बना लिया जिसमें सारी प्रॉपर्टी किसकी थी सिल्क की सच अ फाइबर वाज ऑपटेन बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ बुड पल्प दिस फाइबर वाज कॉल्ड रे और आर्टिफिशियल सिल्क एक केमिकल फाइबर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए उन्होंने जो बुड पल्प लकड़ी का जो गूदा होता है उसको उसमें कुछ केमिकल मिलाकर केमिकल का ट्रीटमेंट करके उन्होंने उस फाइबर को बिल्कुल किसका लुक दे दिया सिल्क का उसको बनाया गया था इसीलिए उसको बोला गया आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रे ओके okay, स्टूडेंट क्या बोला गया उसको रेयन बोला गया था ओके okay, तो जो आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेन उसको बोलते हैं ऑल दो रेन इज ऑप्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प इवन जो रेयन है वो बनता तो नेचुरल से ही है क्योंकि जो वुड पल्प है लकड़ी का जो गूदा है वो नेचुरल होता है येट इट इज़ अ मैन मेड फ़ाइबर लेकिन इसको बनाया गया किसने इंसान ने इसीलिए इसको क्या बोलते हैं मैन मेड या आर्टिफिशियल सिल्क इट इज़ चीपर द सिल्क और ये सिल्क के कंपेरिजन में बहुत ही सस्ता होता है एंड कैन बी बोवन लाइक अ सिल्क फाइबर और ये बिल्कुल सिल्क फ़ाइबर की तरह ही बुना जाता है इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर और फिर इसको हम किसी भी कलर में यानी बहुत सारे कलरों की वेराइटी में इसको डाई कर सकते हैं यानी कि जो सिल्क मिलेगा वो बहुत सारे कलर में मिलता है रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मे का बेड शीट अगर इस रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो उससे बेड शीट बना सकते हैं और मिक्सड विद वूल और अगर उसको वूल के साथ में मिक्स कर दें तो मे का कारपेट उससे हम क्या बना सकते हैं कारपेट बना सकते हैं नेक्स्ट है नाइलॉन 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 इज़ अनदर मैन मेड फाइबर नाइलॉन भी क्या है एक दूसरा मैन मेड फाइबर है इन 1931 इट वाज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स ये एक ऐसा मैन मेड फाइबर है जिसमें उन्होंने किसी भी तरह का रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं लिया यानी कि ना तो कोई प्लांट्स का यूज़ किया गया उसमें और ना ही किसी एनिमल का यूज़ किया गया इट वॉज़ प्रपेयर्ड फ्राम कोल वाटर एंड एयर और इसको किसकी हेल्प से बनाया गया कोल से वाटर से और एयर से इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर ये पहला ऐसा था जो कि पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था क्योंकि इसमें किसी भी तरह का जो रॉ मेटेरियल था उसमें भी कोई भी चीज़ नेचुरल यूज़ नहीं की गई थी नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रोंग लास्टिक एंड लाइट जो नाइलॉन फाइबर है वो बहुत ही मजबूत होता है बहुत इलास्टिक मतलब अगर आप उसे खींचें तो वो खिंच भी जाता है एंड लाइट और बहुत ही हल्का होता है इट वॉज़ लस्टर एंड ईजी टू वॉश ये बहुत ही चमकीला होता है और इसको वॉश करने में ईज़ीली ये वॉश हो जाता है सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर हुआ कपड़े बनाने में नाइलॉन फाइबर कैसा था नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग था मजबूत था इलास्टिक था बहुत ही लाइट था और फटाफट से ये वॉश हो जाता था तो इसका मतलब भी अच्छा था इसीलिए जो बहुत जल्दी लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया सब लोग इसको पसंद करने लगे वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम अ नायलॉन नायलॉन से बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं जैसे कि सॉक्स है रोप टेंट टूथब्रश कार सीट बेल्ट स्लीपिंग बैग करटेन एट नाइलॉन इज नाइलॉन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा ना ये ब्रश है सॉक्स हैं करटेन है ये सभी किसके बने हैं नाइलॉन के बने हैं ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर द रॉक क्लाइम्बिंग स्टूडेंट इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो नाइलॉन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका यूज़ पैराशूट बनाने में करते हैं और जो माउंटेनियर्स होते हैं जो पर्वत पर चढ़ते हैं पर्वतारोही वो चढ़ने के लिए जिस रस्सी का यूज़ करते हैं वो भी किसकी बनी होती है नायलॉन की आ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर वाओ स्टूडेंट इवन इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो रस्सी है ना ये स्टील के वायर से भी ज़्यादा मजबूत होती है तो नायलॉन तो बहुत ही स्ट्रोंगर हो गया और नायलॉन कैसा है बहुत अच्छा है और ये पूरी तरह से कैसा था सिंथेटिक था इसमें किसी भी तरह का नेचुरल यूज़ ही नहीं किया गया था नेचुरल फाइबर को तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा हो गया नाइलॉन ओके स्टूडेंट समझ आ गया नेक्स्ट है एक्टिविटी थ्री पॉइंट वन इस एक्टिविटी में बताया गया है स्टूडेंट टेक अ आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट सिक्सटी सेंटीमीटर लेंथ टाई इट टू क्लैंप सो दैट इज़ हैंग फ्रीली फ्रॉम इट इज शोन इन दिस फिगर एट द फ्री एंड सस्पेंडेड अ पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड स्टूडेंट इसमें क्या है एक जैसे स्टैंड दिखाई दे रहा है इसमें इन्होंने एक थ्रेड बाँध दिया कॉटन का और उसको तराजू की तरह बना दिया और उसमें वेट रखते चले गए तो उन्होंने देखा कि थोड़े से वेट के बाद में वो क्या हो गया थ्रेड टूट गया अब वो धागा टूट गया फिर उन्होंने उसकी जगह कॉटन की जगह उन्होंने रेयन का धागा बांधा नायलॉन का बांधा यानी इन नंबर बाई नंबर सबके भागे धागे बांधे तो लास्ट में पता चला कि जो नायलॉन का जो धागा बांधा था उसने सबसे ज़्यादा वेट को गेन किया इट मीन्स क्या वो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या हो गया नायलॉन हो गया ओके okay, स्टूडेंट तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही आप इन दोनों टॉपिक्स को रीड करेंगे थैंक यू